वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और यहाँ पर नए सफर की शुरुआत करते हुए हमारे साथ है आज हर्षल, और हम जा रहे हैं कोकण ट्रिप, मतलब दापोली की साइड जा रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे 6 और हम पापा के दर्शन लेने आए थे कि यहाँ से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, पर यार पापा के ब्लेसिंग हमारे साथ है तो कुछ भी कर सकते हैं, ये ट्रिप अच्छे से कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि ये हमारा मेरा तो फर्स्ट और सबसे बड़ा लॉन्ग ट्रिप होने वाला है। तो लगेज कुछ इस तरह से पैक कर लिया है, रात को ही सब कुछ कर लिया था, गोप्रो का जुगाड़ नहीं हो सका, मेरे पास अभी गोप्रो नहीं है, तो जितना भी फुटेज में शूट कर रहा हो वो ऐसे ही मोबाइल से शूट करना पड़ेगा। तो अभी तो बाहर बहुत अंधेरा है, तो आपको मिलते हैं थोड़ा सा उजाला होने के बाद। 3 hours later, ऑलमोस्ट 100 kilometers डन, और यहाँ पर पीछे वाला जो हाथ में बैग था वो भी नीचे पैक कर लिया है। एक जगह पर आड़े फाटे में रुके थे, वहाँ से एक रोप लेके वो बैग का काम भी ख़त्म कर दिया, पर वो बैग थोड़ा सा लूज़ हो रहा है क्योंकि वो हमने जल्दी जल्दी घाई घाई में पैक कर लिया था। अभी बहुत दूर जाना है, मतलब अभी भी 250 किलोमीटर है यहाँ से, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं हम घर से निकलते हुए, मैं हेलमेट इसीलिए नहीं निकल रहा कि ये जो रिफ्लेक्टर है वो अच्छे से बैठ नहीं रहा निकालने के बाद, तो अभी हेलमेट नहीं निकालूंगा। मतलब यहाँ पर क्या ही ट्रैफिक लगा है, जितना संगमनेर से पुणे में आने तक टाइम लगा ऑलमोस्ट उतना टाइम हमें आज यहाँ की ट्रैफिक क्लियर करने में लगा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. 230 kilometers डन, और अभी सिर्फ 100 या 120 किलोमीटर रहे होंगे, और यहाँ पर बहुत बढ़िया वाली नदी बह रही है, तो यहाँ पर थोड़े से फ़ोटो खींच लिए। ड्रोन उड़ाने का प्लान था पर यहाँ पर विंड थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ड्रोन यहाँ पर फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी नदी है वहाँ पर भी नदी है, अगर गया तो मतलब आप थोड़ी दो ड्रोन निकालना यहाँ से, और व्यू तो एक नंबर। आप थोड़े से सिनेमेटिक देख लीजिए, और ये ब्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा मुझे पता है, क्योंकि यार अभी गोप्रो ही नहीं है तो क्या ही मोटो ब्लॉग करेंगे, तो जितना भी जहाँ भी हम रुक रहे हैं वहाँ से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। और अभी हमने पीछे खाना खाया, वो भी घर से लेकर आए थे, तो ऐसे ही साइड में एक नाश्ता वाला था, तो वहाँ पर ही हमने खाना खा लिया। ओके, तो अभी थोड़े से आप सिनेमेटिक्स एंजॉय करिएगा। रहा बैक वाटर, अभी मैंने मैप में एग्जैक्टली देखा नहीं कि ये कौन सा धरन है, पर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा बाद में। बहुत बढ़िया, मछले 10-20 किलोमीटर से इसी के आगे पीछे हम घूम रहे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया, क्या ही बताऊँ आपको। तो ये सब बैक वाटर है, आगे से जो वॉल थी वहाँ पर मैं बाइक रुका नहीं सका क्योंकि बाइक में हो चुका है एक प्रॉब्लम, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, पर अभी बाइक बंद भी नहीं कर सकता इसी सिचुएशन है, तो आपको डायरेक्टली महाड़ में जाके बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है अभी।
राउटी। तो भाई साहब यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा पहाड़ी नीचे आ चुका है, यहाँ पर दो गाड़ियाँ पास होना बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ पर उनको पहले आने देते हैं फिर हम जाते हैं, वरना पता चला कि दोनों भी नीचे। इससे बढ़िया कि एक एक आगे बढ़े। माल धोपायचं थोडी जागा क्या ही हो गया इस रोड का। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। आई होप हमारी बैग बच जाए, बस यही हमारे लिए अभी काफी है। वाले घाट देखे महाराष्ट्र में, पर मुझे सबसे खतरनाक वाला यही लगा, क्योंकि इतनी जगह पर खतरनाक वाली लैंडस्लाइड हो चुकी है। मतलब कहीं कहीं तो मुश्किल से फोर व्हीलर पास हो रही है, वो भी सिंगल, और ऊपर से हम बाइक भी बंद नहीं कर सकते। सो फाइनली हमें यहाँ पर एक गैराज मिला है, सीधा बैटरी चेंज करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेनी है क्योंकि अभी बहुत घूमना है, अभी तो ये शुरुआत है, पर आज के दिन ये कांड हो गया, पर कोई नहीं, ये चलते रहता है। अभी बैटरी चेंज करते हैं और इसके बाद आगे दापोली तक जाना है, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक अंधेरा हो जाएगा क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है, पर बैटरी मिल गई यही आज के लिए बहुत है, तो मिलता हूँ आपको बैटरी चेंज करने के बाद। तो इनके पास एमरॉन की बैटरी है जो कि इससे पहले थी, तो वो बैटरी अंदर चेक की तो मतलब डेड बैटरी है, करंट ही नहीं है उसमें, मतलब वो चार्ज भी नहीं हो रही, वो बात छोड़ ही दो, पर उसमें करंट ही नहीं आ रहा, तो एमरॉन की नई बैटरी डाल देते, आगे का सफ़र तो टेंशन फ्री हो जाएगा। और एक हमें बाइकर मिले थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, एक्चुअली मैंने जिसके पास सर्विसिंग करता उनको कॉल किया था, वो बोले कि आई थिंक फ्यूज़ गया है उनके हिसाब से, पर सारे फ्यूज़ चेक किए तो फ्यूज़ भी ठीक ठाक थे, तो वो जो थे उनको थैंक यू, और उनकी वजह से मतलब उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी, गाड़ी धक्का देके हमने स्टार्ट कर ली, क्योंकि लगेज भी बहुत है और धक्का स्टार्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो हो गए वहाँ से, और वहाँ से यहाँ तक गाड़ी मतलब जहाँ भी रुके थे बाइक बंद ही नहीं की, वैसे ही चला के आए।
फाइनली यहाँ पर मिल गए, तो थोड़ी शांति है अभी, अभी आराम से सुकून से आगे का रास्ता कंप्लीट करते हैं। पर बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है, मतलब कैमरे में जस्टिस नहीं हो रहा इतना, पर बहुत सही। अभी दापोली यहाँ से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर, तो बहुत टाइम लगेगा, तो मिलता हूँ जैसे जैसे आपको सीन्स कुछ दिखाने होंगे तो आपको दिखाते रहूँगा। अभी टाइम हो रहा है 9:40, खाना खा के आ चुके हैं, वहाँ पर भी बहुत रश चल रहा है, मतलब कल क्रिसमस है और हम आज दापोली में है तो बहुत रश था, इसलिए मैंने कुछ ब्लॉग नहीं शूट किया। अभी रूम है, मतलब बड़े वाला रूम मिला है कि जिस हिसाब से हम जितने लेट आए और कोई कुछ भी बुकिंग नहीं की थी हमने, डायरेक्टली आ गए। एक मेरा फ्रेंड है दापोली के कॉलेज में, तो उसने सब कुछ यहाँ पर कर रखा था, तो इसीलिए सब ठीक ठाक हो गया, खाना भी ठीक ठाक मिला, अच्छा होटल था, क्वालिटी भी अच्छी थी और प्राइस भी डिसेंट था। तो हम दो है और ये 4 बेड का रूम मिला है, मतलब बहुत अच्छा रूम है। जितने रेट में मिला है आपको रेट नहीं बता सकता, पर जितने भी रेट में मिला है बहुत बढ़िया है। और आज हर्षल का बर्थडे भी है, तो अभी केक लेने जाना है, तो चलो मैं जल्दी से फटाफट फ्रेश होता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ।